हम आए दिन लूट की कई सारी घटनाएं सुनते रहते हैं। किसी ने चलते फिरते व्यक्ति के गले से गले की चेन लूट ली, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने हेलीकॉप्टर की लूट की हो? सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। आपको बता दें कि मेरठ में हेलीकॉप्टर की लूट की घटना है जो सामने आई है। मेरठ की परतापुर हवाई पट्टी पर 10 मई को हेलीकॉप्टर के पुर्जे लूट की घटना को SSP मेरठ विपिन ताड़ा ने सिरे से खारिज कर दिया है। SSP मेरठ विपिन ताड़ा का कहना है कि ये घटना लूट नहीं है, बल्कि दो पार्टनरों का आपसी विवाद है। घटना 3 महीने पहले पुरानी की है और SP ब्रह्मपुरी को जांच सौंप दी गई है। SSP ने बताया कि शिकायती पत्र दिया गया था, उस पर जांच बैठा दी गई है। बता दें कि SSP मेरठ से पायलट रविंद्र ने शिकायत की गई कि जिसमें हेलीकॉप्टर टीबीबी का सामान खोल कर ले जाने के संबंध में शिकायत की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हवाई पट्टी से जब हेलीकॉप्टर का सामान खोल कर ट्रक में लादा जा रहा था और उन्होंने विरोध किया तो उनसे मारपीट की गई और उसके बाद उन्होंने परतापुर थाने में फोन किया। पुलिस आई और लोगों को थाने ले गई थी। शिकायतकर्ता ने खुद का कंपनी का डायरेक्टर और शेयर होल्डर भी बताया है। आइए जानते हैं कि खुद उस मामले में क्या कहना है SSP का। कल पुलिस ऑफिस आकर एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले की एक घटना दिखाकर शिकायत दी, जिसमें कि उनके साथ परतापुर एयर स्ट्रिप पर मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दी गई है। हेलीकॉप्टर लूट की उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण एक एविएशन कंपनी के दो पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें कि कोई विवाद को लेकर इनमें झगड़ा है और इसमें जांच ASP को दी गई है, जो कि मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी जांच के उपरांत। फिलहाल इस प्रकार की लूट की घटना नहीं है और ये घटना 3 महीने पूर्व की है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।